सो फाइनली अंकुश अग्निहोत्री का ब्लॉग आ चुका है और उसमें उन्होंने की है खुल के बातें कि ये जो सारे जो चैनल है जाहिला वाला वो कौन करवा रहा था। अंकुश अग्निहोत्री ने खुल के बोला है कि ये जाहिला का जो चैनल है वो और कोई नहीं है बल्कि प्रीतो ने उसको बनवाया है। प्रीतो अपनी सारी बातें जाहिला के थ्रू बुलवाती है, ये बातें क्लियरली अंकुश अग्निहोत्री ने बोला है। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीजें, कोई ना कोई बातें ऐसी पता लगाई है, तभी वो सोशल मीडिया पे वीडियोस के थ्रू सबको बता पा रहे हैं इतनी श्योरिटी के साथ में कि वो चैनल प्रीतो ने ही बनवाया है। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता श्रुत रिएक्शंस। यहाँ पे हम आपके फेवरेट ब्लॉगर्स के रिएक्शन लेकर आते रहते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मतलब सडनली ये नहीं समझ में आ रहा है कि पति के लिए इतना प्यार जाग कैसे गया है उस बंदी के मन में। क्या पति के लिए प्यार जागा जब पति ने मूव ऑन करने का फैसला ले लिया इसलिए, या पति का किसी और के साथ चक्कर चल गया इसलिए? प्रीतो के मन में आखिर ऐसा क्या अंकुश की चीज थी जो प्यार जगा दिया और वापस से ससुराल जाने की भावना जगा दी? इसका मतलब तो एक बात क्लियर है, जो लड़की 3 सालों में ससुराल पिंड नहीं गई वो ससुराल के पिंड के मंदिरों के दर्शन करके आ रही है भाई। मतलब उसके लिए इतना है कि काश ससुराल का एक मिट्टी तक मिल जाए, इतना ज्यादा ससुराल से कुछ ही दिनों में लगाव कैसे हो गया? सोचने वाली बात है। ये भी एक नया जाल हो सकता है, ये भी एक नया चाल हो सकता है, इसमें कोई दुराय है नहीं। हाँ, वीडियो को एंड करते करते प्रीतो ने ये भी बता दिया कि ये सारी चीजें कब एक होगी और कब हम लोग एक हो जाएंगे। विद इन 6 मंथ के अंदर उन्होंने बोला, 6 महीने के अंदर आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएगी कि हम लोग एक हो जाएंगे। और उनके अंदर ये भी एक्साइटमेंट है कि ये जो 6 महीने के अंदर होगा काश ये चीजें जल्दी हो जाए। तो भैया अगर प्रीतो को इतना खुश और एक्साइटमेंट है तो अंकुश अग्निहोत्री को डरना चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो बला घर आएगी तो उनका फिर से क्या हश्र होगा। सो अंकुश अग्निहोत्री ने फाइनली खुल के बहुत सारी बातें बताई हैं। उन्होंने ये बताया है कि वो फाइनल डिसीजन यही चाहते हैं कि वो प्रीतो से अलग होना चाहते हैं, वो प्रीतो के साथ नहीं रहना चाहते हैं। बाकी कोर्ट का फैसला क्या होगा ये वो नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, एक और बात उन्होंने सबसे पहले ही बता दी थी कि जो उस चैनल पे बोला जा रहा है, जो जाहिला बोल रही है कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, मतलब क्या क्या नहीं बोला गया, और ये बोला नहीं गया है, ये बुलवाया गया है। और ये कौन बुलवाया गया है, उन्होंने साफ साफ नाम लेकर भी बोला है कि ये प्रीतो ने बुलवाया है। मतलब और कोई क्लैरिटी की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ उन्होंने क्लियर बोल दिया है। उन्होंने अपने वीडियो का टाइटल भी डाला है कि मेरे साइड का भी सच सुन लो। इसका मतलब है कि उन्होंने प्रीतो को साफ साफ दिखाया है कि देखो मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। उन्होंने कुछ तो ऐसी प्रूफ्स वगैरह उनके पास होंगी तभी वो इतनी श्योरिटी के साथ आके ये ब्लेम लगा रहे हैं, वरना कुछ लोगों का तो काम ही है ब्लेम पे ब्लेम लगाना अंकुश अग्निहोत्री पे। अगर आज अंकुश अग्निहोत्री खुल के किसी पे ये बात का ब्लेम लगा रहे हैं कि ये प्रीतो बुलवा रही है तो ऑब्वियसली उनके पास कोई पक्का पुख्ता प्रूफ होगा तभी वो बुलवा रहे हैं। अंकुश अग्निहोत्री ने ये भी बोला कि मेरे परिवार का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, मेरी माँ के बारे में बोला गया, मेरी बहन के बारे में बोला गया, मेरे बारे में बोला जा रहा था, अब ऐसा हो गया है कि मुझे HIV पॉजिटिव बोला जा रहा है। अंकुश अग्निहोत्री ने अपनी बातों में ये भी बोला कि पहले मैं ये सारे चीज़ों से निपट लूँ, कोर्ट के फैसलों से निपट लूँ, उसके बाद मैं HIV पॉजिटिव वगैरह जो भी उनके ऊपर ब्लेम और एलिगेशंस लग रहे हैं उसके खिलाफ भी वो लीगल एक्शन लेंगे। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस पर कैसे लीगल एक्शन लिया जाता है। उधर हमारी प्रीतो मैडम को सजने सवरने का याद आया है, उनको अब याद आ रहा है कि मैं पहले सज सवर के रहा करती थी, लिपस्टिक बिंदियां लगा के रहा करती थी, अब मैं फिर से करूंगी। क्यों भाई, क्यों तुमको अब फिर से करने का याद आ रहा है? वो ये भी कह रही है कि मैं ये सब नहीं कर रही थी, ये सब छोड़ी, क्यों खुद को विधवा समझ रही थी क्या तुम जो ये सारी चीजें छोड़ दी थी? कह रही है पता नहीं मैं ये क्यों छोड़ दी थी। मतलब साफ साफ की बात है कि तुमको ये सब समझ में आ रहा था मेरा पति है ही नहीं, मैं विधवा हो गई हूँ इसीलिए मैंने ये सब छोड़ दिया था। अब तुमको पति याद आ रहा है क्योंकि पति ने मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया है, इसीलिए पति याद आ रहा है उनको और वो अब सजने संवरने पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं, अपने बालों को केयर करने के बारे में बात कर रही हैं, लिपस्टिक लगा रही हैं, बिंदियां लगा रही हैं, लिप बाम लगा रही हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि हाँ मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, एक पत्नी व्रता हूँ, अब मुझे ये सारी चीजें करना चाहिए। अच्छा, प्रीतो जहाँ अंकुश अग्निहोत्री बता रहे हैं कि वो अब अलग होना चाहते हैं, फाइनल डिसीजन उन्होंने अपना बता दिया है कि मुझे अलग होना है,
इसमें सबकी भलाई है, मेरी भी भलाई है, मेरे परिवार की भी भलाई है और सामने वाले की भी भलाई है, इसीलिए मैं अलग होना चाहता हूँ। उनका फुल एंड फाइनल डिसीजन है कि वो अलग होना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात भी बताया कि एक कोर्ट का डिसीजन मैं नहीं जानता कि क्या है, कोर्ट क्या बोलने वाली है। और वही प्रीत तो बता रही है कि मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस तरीके से लोग पूछ रहे हैं कि बताओ सच क्या है, हमें सच्चाई क्या है, तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऐसा प्रीतो ने बोला कि मैं सारी बातें सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करती, लेकिन कोर्ट की तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि उनका कहने का ये मतलब है कि उनको ससुराल जाना है और कोर्ट उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है कि हाँ हम आपको भेज कर रहेंगे। यानी कि जो प्रीतो का एड़ी चोटी का जोड़ है जो वो लगा रही है अपने ससुराल में जाने के लिए, वो कोर्ट उनकी बातों को मान रहा है, जो वो कह रही हैं कोर्ट उस पर रिस्पॉन्स दे रहा है उनके फेवर में। तो क्या हम ये मान लें कि कोर्ट उनके फेवर में रिस्पॉन्स देगा और फिर से वो जाके अंकुश अग्निहोत्री के जीवन में बैंड बजाएंगी, फिर से उस घर में जाके तूफान लाएंगी? अब तो हम यही सोच सकते हैं, कोर्ट का अगर डिसीजन उनके फेवर में आ गया तब तो भाई फिर से उस घर में एक और तूफान जन्मेगा। अभी बहुत उनको अच्छा लग रहा है, दूर दूर रहेगा कि हाँ बहुत बढ़िया है, मैं जाके इतनी अच्छी बन जाऊंगी, ये कर लूंगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं आदत से मजबूर, जो 3 सालों में नहीं सुधरा वो अब क्या सुधरेगा बात में, तो ये भी सच्चाई है। तो वो सुधरने वालों में से तो है नहीं, वो हमेशा ही जाल में फंसाती रहती हैं, और जाल में नहीं फंसा बेचारा तो बेचारे का बकरा बनाए रहती हैं।